इसका ही बंधु में आपका स्वागत है। आज मैं ढाक दाब बताने आया हूँ कि ढाक कैसे लगाएं, और इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें काट भी बताऊंगा। लड़के बोल रहे थे कि सर आप ढाक दाब बताइए इसमें, तो आज इसमें हम ढाक दाब लगा के बताते हैं आपको। आइए, तो लड़ने की पोजीशन ढाक मारेंगे तब हम पहले समझा देता हूँ, पीछे मार के बताऊंगा क्या पोजीशन रहेगी। ये यहां से पहला पैर हमारा यहां जाएगा और ये कमर हमारी उसके पेट के नीचे लगेगी। यहां आते ही ढाक लग गई, आइए अब मैं ढाक मार के बताता हूं आपको। तो भाइयों पहले हमारी पोजीशन ये रहेगी ढाक मारने की, ये बंदा हमारी तरफ आएगा चल के, अगर हमारे पास रूट था हम पे ऊपर लगी साइड। आइए भाई आगे, ये पहले पोजीशन क्या रहेगी? पहले ये हाथ, ये हाथ यहाँ से पैर यहाँ पे। हाथ कौन सा, सीधा वाला हाथ कहाँ रहेगा? ये सीधा वाला हाथ इधर रहेगा, गर्दन पे, गर्दन पर रहेगा सीधा वाला हाथ। अच्छा, और यहाँ से फिर ये वाला पैर, और दूसरा हाथ, दूसरा ये है ऊपर से पकड़ना है। हाँ जी, अच्छा, और ये वाला यहाँ से। अच्छा, ये ढाक की पोजीशन है फुल। अच्छा, समझो लग गई यहाँ से। अच्छा, एक बार मार के और दिखाइए। तो दोस्तों हमने आपको ढाक दाब बताई, अब इसी काट बताएंगे हम, काट कैसे। जैसे मेरे में ये पहलवान लगाएगा ढाक को, तो मैं इसको काटूंगा कैसे काटनी है। चलो भाई मेरे में ढाक लगाओ। इधर से आओ, इधर से कौन से वाले पे लगाओगे? इधर से आ सकते हो, चेंज हो जाओ। चलो मारो डाक। पोजीशन, पोजीशन में आ जाओ, कैसे माननी है बस। अब क्या करना है? अब ये भाई ढाक के लिए गया है, अब मेरे को यहाँ से कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि ढाक मारेगा, तुरंत ही उठाना है। सेकंडों की बात होगी, ये पहलवान को उठाना है। ढाक की यही काट है। अच्छा, आप ध्यान से लड़ोगे तब समझ में आएगी, ये नहीं कि ध्यान आपका कहीं चल रहा है, दूसरा पहलवान ढाक मार रहा है, इसलिए तुरंत तैयार रहना है इस चीज के लिए। हमको मालूम पड़ जाती है डरते ही पहलवान क्या दाम मारने वाला है। अब पहलवान लगाई ढाक, एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। पहलवान ढंग से लगाना, गर्दन पे हाथ रख के बताई थी जैसे, बस ये। और ये ठीक है, तुरंत एक्शन लेना है। तो भाइयों एक बार मैं बता दूं, चलो भाई ढाक की पोजीशन आइए, यहाँ से ढाक लग गई समझो, हमको ये करना है सिर्फ, ये यहाँ लॉक बनाना है हाथ का, लॉक बनाना है। अच्छा, पीछे लेना है, पीछे। अच्छा, फिर कुछ नहीं, यहाँ से आके उठाना है बस सीधा, ये ऐसे करके। तो भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये हमारा अखाड़ा है, लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं हम, इसलिए हमारे खेतों पे ही बनाया है ये अखाड़ा। देख लो, पहले यहाँ पे अखाड़ा था, बाद में हम बाहर चले गए करने के लिए, फिर इसलिए बच्चे आए बाहर से, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अखाड़ा बनाए, तो हमने अखाड़ा बनाया प्रैक्टिस के लिए। बच्चे कहीं नहीं जा पा रहे, इसलिए खेतों पर ही तैयारी और प्रैक्टिस करेंगे, और आपको दाब बताएंगे, हर वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।